बैक टू आवर चैनल चटोरी सिस्टर्स। तो जैसे कि हम लोग ने आप लोगों को बोला था 100 रुपीस चैलेंज वाली वीडियो में कि हम लोग 200 रुपीस चैलेंज वाली वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके लिए भी वोट किया था। सो हियर वी आर डूइंग लिविंग ऑन रुपीस 200 फॉर 24 आवर चैलेंज, जिसमें हमें खाने होंगे 5 मील, क्योंकि इस बार हमारे पास थोड़ा बजट ज्यादा है। तो इसको थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए हमने रखे 5 मील, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, डेजर्ट। और इसमें जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे बचेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो वो होगा विनर, और जिसके पास सबसे होंगे कम पैसे वो होगा हमारा लूजर। कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना होगा हमें पनिशमेंट देना है या डेथ। तब तक के लिए लूजर देखने के लिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो मैंने अभी इडली ली है 20 रुपए की 5, तो मुझे अच्छा मिल गया, मेरा पेट भर जाएगा इसी में, मुझे आगे कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखते हैं, लंच में वापस आना पड़ेगा, तब तक तो मेरा पेट भरा ही होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, स्ट्रीट पर आगे खाने की एक ही बात होती है कि अगर आपके पास चटनी और सांभर खत्म हो रहा हो तो वापस आप मांग सकते हो। अभी इन्हें दिया ही इतना सारा, पहले मुझे नहीं लगता खत्म होगा, देखते हैं। बट ये बहुत टेस्टी है, एकदम स्मूथ। अभी मेरे पास बचे है 180 रुपीज, और 180 में पूरा दिन निकालना, जो कि निकल जाएगा क्योंकि 100 में भी निकल ही गया था, और तभी तो मेरे पास सिर्फ 75 बचे थे लंच ब्रेकफास्ट के बाद, अब तो निकल ही जाएगा। इस बार तो 5 मील है ना, हो जाएगा लास्ट में, देखते हैं। आप लूजर जानने के लिए एंड तक देखते रहना। अब देखते हैं दीप्ति दीदी क्या खाती है। सो गाइस, बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिली है एक दुकान जहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, जो है मसाला डोसा। आई नो लास्ट टाइम भी मैंने सादा डोसा खाया था, बिकॉज तभी जो है बजट कम था, अभी मेरे पास है बजट तो मैं मसाला डोसा खा सकती हूँ। और ये मसाला डोसा मुझे 40 रुपीज में मिल रहा है, वहाँ बन रहा है मसाला डोसा मेरा। सो या अभी जब मसाला डोसा मेरे पास आ जाएगा देन आई विल कंटिन्यू। तो मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, और ये देखिए मैंने जैसे कि बताया कि मैंने मसाला डोसा लिया है, फिलिंग तो दिख रहा है। तो अब मेरे पास तो कितने रुपए बचे, 40 रुपए अभी इसमें चले जाएंगे, तो 160 रुपीज अभी मेरे पास बचेंगे। तो अभी मैं ये खत्म कर लेती हूँ और देखते हैं कि अदिति क्या खाएगी अभी ब्रेकफास्ट में। तो मेरे पास अभी बचे हैं 160 रुपीज, मैंने दे दिए हैं 40 रुपीज, अभी देखते हैं कि अदिति क्या खाती है। सो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट की दुनिया में जहाँ पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स दिख रहे हैं, नाउ आई हैव टू डिसाइड कि मैं इनमें से क्या खाऊं। ढोकला कैसे दिया? 25 रुपीस 100 ग्राम। और खांडवी? सेम रेट। सेम, ये
ये दोनों को मिक्स नहीं इसको बोलना ये तो दोनों को मिक्स दे दो खाना है। मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और कुछ लेना पड़ेगा। लेट्स टेस्ट इट। फ्रेश है, अच्छा है, वेरी गुड। Nice. अब मैं ट्राई करूंगी खांडवी, क्योंकि सपना वैसे भी सपना को बहुत अच्छी आती है खांडवी बनाने घर पे एंड आई लाइक इट। वांट सम? ये स्वीट्स रसगुल्ला और वो कितने के सिंगल और रसमलाई 25। थैंक यू। 175 मेरे पास 175 बच गए हमारे 40 में से। मेरा ब्रेकफास्ट अभी बाकी है, मुझे फ्रेश जूस पीना है। फ्रेश जूस मिल नहीं रहा भाई, ढूंढते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं फ्रेश जूस पीने वाली थी, बट मुझे ये पिंटोज बेकरी दिख गई, मेरा मन ललचा गया, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा और खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगी है और मेरा पेट नहीं भरा। वेज में स्टफिंग क्या है? And what about chicken? Chicken chili. Give me this. Yeah, chicken manchurian. One. तो मुझे मेरा पार्सल मिल चुका है जिसको मैं घर जाके खाऊंगी, बिकॉज यहाँ बारिश हो रही है थोड़ी। एंड आई पे द पे जिसका है 35। सो टोटल मेरे पास बचे 140। जैसे कि मैंने बोला था 2 o'clock ठंडी से मेरा पेट नहीं भरा, मैं जूस लेने वाली थी फिर मुझे ये दिख गया, तो मैं ये खाऊंगी। पेट भर ब्रेकफास्ट जरूरी है हेल्थ के लिए भी, और मुझे तो दिन की शुरुआत में ही पेट भर चाहिए। लेट्स टेस्ट दिस। तो इसका स्टफ आप देख सकते हो, इसमें चिकन एंड कैप्सिकम बहुत ही अच्छे से भरा है। आई जस्ट लाइक इट नाउ, बहुत टेस्टी है। दिखा जरा कितना टेस्टी है। ऐसा ब्रेकफास्ट मुझे रोज मिले ना, मजा आ जाएगा जिंदगी में। मेरा पेट अभी खाली हो चुका, अब मैं खा लूंगी इसका भी। ये था 60 rupees का लंच। मुझे अब एडजस्ट करना पड़ेगा 40 में, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। देखते हैं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, और अभी बज रहे हैं 3। इन लोग को इतना लेट सूझा, मेरी तो भूख लग रही है बहुत ज्यादा। मेन चीज तो मैं आपको बताना भूली गई गाइस, जिसमें लूजर को जो पनिशमेंट या डेथ मिलेगा वो आप लोग डिसाइड करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे अच्छे आइडियाज दे दो, और विनर डिसाइड करेगा लूजर को पनिशमेंट देनी है या डेथ। मुझे मिला है 15 rupees में, और वो जैसे कि मैंने बताया कि वो दही कचौड़ी मुझे मिली है 20 rupees में, तो इसका टोटल हुआ है 35 rupees। तो 35 rupees में लंच होना है, आई थिंक इट्स गुड। हाउ इज इट? वेरी नाइस। कैन वी टेस्ट? नो। सेकेंड डिश आ चुका है जो है दही कचौड़ी, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। मुझे
दही बहुत रिफ्रेशिंग है, तो वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा है और चटनी इज अ वेरी गुड, ओवरऑल बहुत टेस्टी है। ये दही थोड़ी ठंडी होती ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता, बट इट्स गुड। अब देखते हैं अदिति लंच में क्या खाती है। आप सबको तो पता ही है ब्रेकफास्ट मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था 60 रुपीज में, तो मुझे भूमि मार्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मुझे एडजस्ट करना है कैसे भी करके 40 में पेट भर जाए और मेरा और मुझे कुछ रिफ्रेशिंग भी मिल जाए, जैसे कि जूस। सुबह भी क्रेविंग था जूस का, अभी भी जूस की क्रेविंग है। लेट्स सी मुझे 40 में क्या मिलता है यहाँ पर। आइए चुका है जिसमें आप देख सकते हैं अनियन, टोमेटो, बॉइल पोटैटो एंड क्यूक्यूम्बर एंड बटर ऊपर से लगा दिया। कैसा है? कितने का है ये? मुझे 30 रुपीज का मिला। अच्छा पेट भर जाएगा आपका इसमें, कुछ और भी लोगे? मैं इसके बाद सोच रही हूँ 10 रुपए की एप्पल फिल दे दो तो 40 रुपए मेरा पूरा हो जाएगा। इस भैया रुक जाना, बहन पर मेरे को ये नहीं पसंद, पर पीना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तीखा लग रहा है। क्या थी? 10 का स्लाइस दे दो। एक 10 का, कुछ और नहीं इसमें, सिर्फ यही है। ये कितने का है? हाँ ये देखो एक ही बस पैसे दे दीजिए। 35 पे कभी आऊंगी। लेट्स आई एम वेरी थर्स्टी। उसमें क्या है? कितने का लिया तूने? 25 का लिया है। $3 है। हाँ $3। हाँ अरे मैं थैंक यू। चलो तो ये मेरा पास्ता रेडी हो चुका है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैं खरीद रही थी, एंड दिस इज फॉर माय लंच एंड दिस लुक्स सो टेम्पटिंग। और ड्राई कलर पास्ता है ये बिगर ड्राई कलर पास्ता। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना अच्छा होता है कितना बुरा होता है, सबको पता है ये बहुत अच्छा होता है। और इसमें से अभी गर्म गर्म धुआं आ रहा है अभी तक भी। एज यूजुअल अच्छा ही है। बहुत टेस्टी होता है ये, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि सबने खा ही रखा होगा ये। तो अब हम फिर से नीचे आए हैं हमारे स्नैक्स खाने के लिए, और मैंने सोचा कि मैं स्नैक्स में सबसे बेस्ट क्या खा सकती हूँ, पानी पूरी के अलावा कुछ नहीं खा सकती मैं, क्योंकि आई जस्ट लव दैट। तो भैया एक प्लेट पानी पूरी बना दो। आया ना मजा तीखे का? आने दो। तो मैं अभी स्नैक्स के लिए सोच रही हूँ कि मैं फ्रूट सैलेड लूँ, क्योंकि ये पीछे ही है और मैंने इसको देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी मुझे ऐसा खाने का कुछ मन नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ऑयली कुछ खा लिया, तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी खाते हैं और फ्रूट सैलेड दिख गया तो उससे हेल्दी क्या ही हो सकता है। तो इसके लिए अब ये फ्रूट सैलेड 20 रुपीज में, मैं भी पूछ कर आई, तो 20 रुपीज का फ्रूट सैलेड इज गुड, मैं वही स्नैक्स के लिए खाऊंगी। लेट्स गो। मैं पार्सल ले रही हूँ, मैं घर जाके ही खाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे खड़े रह के वीडियो बनाना मतलब बहुत आवाज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज।
प्रॉब्लम, मैंने थोड़ा ज्यादा डाला। नहीं इसको हम लोग नहीं दे रहे, भागो भागो इधर, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि मैं अपने स्नैक्स के लिए फ्रूट सैलेड ले रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बाहर का खा खा के थक चुकी थी। मजा आ गया, मजा नहीं लाइफ। घर पे आके खाने में तो और भी मजा आ रहा है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ ना चल चल के इधर उधर। क्या लिया सपना तूने? मैंने लिए चिकन मोमोज हाफ प्लेट फॉर माय स्नैक्स, और चिकन मोमोज मेरे फेवरेट है। और मैंने सोचा था कि मैं कितने भी पैसे अपने लंच में और ब्रेकफास्ट में कम करूं, ताकि मैं मेरे स्नैक्स के लिए मैं मोमोज खा सकूं। लोग लंच के लिए पैसा बचाते हैं, डिनर के लिए बचाते हैं, स्नैक्स के लिए बचाते हैं। देख ना जरा देख, इसके लिए पैसे नहीं बचाओ। तो आ गया है मेरा मोमोज, ये 50 का है, 50 रुपीस का है। स्नैक्स में इतना चलता ही है। टेम्पटिंग, वेरी टेम्पटिंग। हाँ एक बार खोलो, कितने मिलेगा? अपना खुद का खरीदो। जैसे कोई तीन तरीके की चटनी है, खुद का खरीद और हार जा। बहुत गर्म है। मोमोज हमेशा टेस्टी होते हैं, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास बचे हैं 110, इसमें मुझे खाना है डिनर और डेजर्ट। डिनर के लिए जो मैंने ऑर्डर किया है वो है चिकन नूडल्स हाफ प्लेट, जो मुझे 70 रुपीज़ में मिल रहा है। और मेरा ऑर्डर है चिकन फ्राइड राइस, जो कि 70 रुपीज़ में है हाफ। बहुत ढूंढने के बाद एक दुकान मिली है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी और हम थक चुके हैं वीडियो शूट कर करके सुबह से। नाउ वेटिंग फॉर द फूड, दैट्स ऑल। तो आ गए हमारा डिनर, अब हम खाएंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। यू कैन जस्ट सी दिस, अब हम खा के टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा बना। दिन के बाद नूडल्स खा रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है। अच्छा है, बस भूख लगे पूरे दिन से, भूख मिटाने के लिए अच्छा है। क्वालिटी 10 out of 6, क्वांटिटी भी अच्छी है इसकी, आप देख सकते हो आराम से। कोई हाफ के हिसाब से इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, कोई एक इंसान आराम से खा सकता है इसका। चिकन पीसेस भी इसके अच्छे हैं, एज यू कैन सी इट इज ओके, गुड, आई लाइक इट। मैंने मेरे डिनर के लिए लिया है ये वेज मंचूरियन फ्रैंकी, जो मुझे पड़ी है 50 रुपीज की, एंड इट इज लुकिंग सो डिलीशियस। और गरम गरम है, मतलब मुझे कुछ ताजा ताजा बना के दिया है अभी, अभी देखते खाकर। बहुत गरम है, वेरी टेस्टी। लास्ट टाइम मैंने इधर से एक्चुअली खाया था,
तो उसकी मंचूरियन ना काफी हार्ड थी, तो उसको मैंने बोल के उन लोग को बताया कि आप लोग ने लास्ट में बहुत मंचूरियन आपके बहुत हार्ड थे, तो इस बार वेल कुक्ड है इनकी मंचूरियन, परफेक्ट है पूरा एंड ओवरऑल टेस्ट इज वेरी ग्रेट। अब मैं आपको मिलती हूँ डेजर्ट में। मैं सोच ही रही थी सुबह से कि रात को मैं स्वीट्स में क्या खाऊं, फिर मैं थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर आई थी, बट मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पर पेस्ट्री 30 रुपीज की मिलती है, और मेरे पास अब बजट भी ज़्यादा था, मुझे नहीं। अब मेरे पास बचे हैं 30 रुपीज, इन लोगों के होश उड़ गए कि मेरे पास 30 रुपीज बचे हैं। अब देखते हैं ये लोग क्या खाएंगे अपने डेजर्ट में, और इनके पास कितने पैसे बचते हैं, तीन यूजर है तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई होने वाला है। तो एवरीवन, मैंने मेरे डेजर्ट के लिए कुछ यूनिक लिया है जो मैंने कभी नहीं खाया, मतलब आज तक तो कभी नहीं खाया। दिस इज केक पॉप्सिकल, और गेस व्हाट, मुझे ये 20 रुपीज में मिला है, मतलब 20 रुपीज में केक पॉप्सिकल मिला, आई डोंट थिंक सो कहीं मिलता भी होगा। और मैंने ये बेकिंग बाइट से लिया है, ये मलाड में है जो, दिस जस्ट टेस्ट लाइक केक विथ कोटिंग ऑफ चॉकलेट ऑन इट, एंड आई लाइक इट्स टेस्टी, एंड 20 रुपीज में तो इट्स वर्थ इट ऑब्वियसली। और अब मेरे पास 15 रुपीज बचे हैं, दैट मीन्स आई गेस आई होप कि मैं लूजर ना रहूँ। लेट्स सी, अब हम देखते हैं, पहले मैं ख़त्म कर लेती हूँ, और अब हम देखते हैं कि अदिति को क्या डेजर्ट मिला है या वो क्या खाने वाली है। So, ये है मेरा लास्ट मील ऑफ द डे, मेरा डेजर्ट, जिसके पीछे ट्रेजेडी हो गई है। मैं लाई थी मेरे लिए गुलाब जामुन, जो कि मेरे भाई ने खा लिया, 10 रुपए का मुझे एक गुलाब जामुन मिला, तो मुझे उससे पैसे लेने पड़े कि उसने मेरा गुलाब जामुन खाया तो पैसे दे मुझे, फिर वो पैसे लेके रिटर्न गई, एंड टाइम पे बंद हो रही थी दुकान, मुझे जो मिला मैंने ले लिया। आई डोंट लाइक दिस, बट क्या करूं, खाना पड़ रहा है, और 10 रुपए का ये आया 2 पीस, तो मेरे पूरे पैसे हो गए खत्म, 2 पीसेस ओनली। मेरे पूरे 200 हो गए खत्म, क्लियर लूजर, डन, दिस इज नॉट गुड कुछ भी। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। तो आज के 200 रुपीज चैलेंज में जो क्लियर विनर है वो है सपना बिरला, और जो क्लियर लूजर है वो है अदिति चाक। सो पूरा नाम लेना जरूरी था, हाँ, कि पूरे फैमिली को पता चलना चाहिए ना कि आप क्लियर लूजर हो, लूजर। तो जो डेयर्स होंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और उन्हीं डेयर्स में से एक चूज करके सपना वो जो डेयर है वो अदिति को देगी, और वो डेयर उसको करना पड़ेगा जिसका भी हम लोग वीडियो लेंगे, और उसको हम लोग कोई तो सोशल मीडिया हैंडल पे डाल देंगे, उसके डालने से पहले हम बता देंगे। और सबसे डिफिकल्ट वाला मैं इसको पनिशमेंट दूंगी, प्लीज कुछ अच्छा लिखना, अच्छा डालना, तो कमेंट्स में भर देना क्या डालना है इसके डेयर, इसको क्या डेयर देना है, क्या पनिशमेंट देने, वो आप लोगों के हाथ में, आप लोग क्या देखना चाहते हो। यस, और मुझे इन लोग में बैलेंस होके बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे ना डेयर देना पड़ रहा है ना लेना पड़ रहा है। वाह, और 100 वाली वीडियो जो थी हमारी, ₹100 वाली वीडियो, अगर आप लोग ने वो नहीं देखी होगी तो यहाँ कहीं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उस पर आप देख लेना, और उसका जो
उसका एक्चुअली कोई विनर और लूजर था ही नहीं, क्योंकि हम दोनों का टाई हो गया था, हम दोनों के पास 3-3 रुपीज बचे थे, बट इस बार मेरे पास बचे है 30 रुपीज, मतलब और मेरे पास बचे है 15 रुपीज, तो इसके पास तो कुछ पैसा बचा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये लूजर है। हम खाते पीते लोग हैं भाई, उड़ा देते खाने में। पैसे बचाने पे कुछ फोकस नहीं किया, मैं भूल गई थी एक्चुअली, मुझे शाम को याद आया अरे पैसे बचाने भी है, इसलिए तो इसमें दो दो बार ब्रेकफास्ट किया है। सो देन लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, कमेंट व्हाट यू वांट नेक्स्ट, शेयर विद योर फूडी फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, घंटा बजाना मत भूलना, बाय।